Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने गुरुवार को मेरठ में जनरल शाहनवाज खान की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश में ना तो हिंदू खतरे में है और ना ही मुसलमान, बस जरूरत है आपसी भाईचारा और सौहार्द कायम रहे। उन्होंने कहा कि देश के मुसलमानों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने की कोई जरूरत नहीं है। यदि उनसे कोई देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगता है तो उन्हें आजादी के आंदोलन में अपने पूर्वजों और नौजवानों की शहादत याद दिलाएं। मुसलमानों के पास पाकिस्तान जाने का जिन्ना के नेतृत्व में मौका था, लेकिन मुसलमानों ने उस नेतृत्व को नकार कर देश में रहने का निर्णय लिया था और गांधी जी के विचारधारा को माना था। जो मुसलमान है वह देश गद्दार नहीं कर सकता। कहा, प्रदेश में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी, किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। 2022 का विधानसभा चुनाव में सिर्फ प्रदेश की दशा और दिशा ही नहीं तय करेगा, बल्कि देश की राजनीति भी तय करेगा। कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए लोगों को जाति और धर्म में बांटा जा रहा है, राजनीतिक लाभ के लिए ही अनाप शनाप बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में संयम से काम लें और आने वाले विधानसभा चुनाव में सोच समझ कर प्रदेश और देश हित में वोट का इस्तेमाल करें।